दोस्तों नमस्कार। द सेवियर स्टडीज में आप सबका स्वागत है। वैदिक सभ्यता पर आज हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, वैदिक सभ्यता के कालखंड के बारे में देख लिए थे, उत्पत्तिकर्ता के बारे में देखे थे, स्रोत के बारे में देखे थे और विशेषताएं जो है हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो कालखंड के बारे में हम ये पढ़े थे कि जो वैदिक सभ्यता है इसका जो कालखंड है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल है, जिसकी जानकारी हमें मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है, और एक है उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें अन्य दूसरे वेदों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम जो है बात किए थे स्रोतों की, तो स्रोतों में हम देखे थे कि साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखे थे अभिलेखों के बारे में, तो उसमें हम मृदभांडों की बात किए थे। मृदभांड पर गहरी बात नहीं हो पाई थी, विस्तृत बात नहीं हो पाई थी, केवल उसे पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना गया था। लेकिन अभिलेखों की जहाँ तक बात थी, तो अभिलेख में हम दो अभिलेख देखे थे, बोगस कोई अभिलेख देखे थे और कसिक अभिलेख देखे थे, और शुरू किए थे लास्ट में वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम देखे थे कि वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक है और उपनिषद है। वेदों की संख्या ये भी समझ लिए थे कि चार है, और वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं, नित्य कहते हैं, संहिता कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम समझ लिए थे। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम चाहे BPSC दें, SSC दें, UPSC दें, एकाध क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से आते ही आते हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अंतराल पे या थोड़ा बहुत अंतर पे वो जो है आते हैं परीक्षा में। तो परीक्षा जब हम देते हैं तो हमें ये जानकारी जो है बेहतर तरीके से समझ लेनी चाहिए कि एक एक जो नंबर होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक नंबर के लिए हम जो है वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, एक नंबर से हम छट जाते हैं, एक नंबर से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो एक एक नंबर जो है बहुत। तो जितने पॉइंट हैं हमारे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के हों या वैदिक सभ्यता के हों, तो उनको समझना और उनको समझ कर अपने दिमाग में सेट कर लेना कितना महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। तो ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता पर हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा, और इसमें हम मुख्यतः जो है वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में इसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद में जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको वैदिक साहित्य में पढ़ना क्या है, तो वेद पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, अरण्यक पढ़ना है और उपनिषद पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हम इस पर भी चर्चा किए थे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आज बात करते हैं वेद की। तो वेद जो हैं चार हैं, पहला है ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा साम्यवेद है और चौथा जो है अथर्ववेद है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वह पूर्व वैदिक काल का एक साहित्यिक स्रोत है। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो क्या है, वो है 1500 BC से 1000 BC तक। तो ऋग्वेद पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ठीक है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अब एक एक शब्द को समझेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है ऋचा, तो ऋचा का मतलब क्या होता है, जो वैदिक ग्रंथ होते हैं, जो वैदिक मंत्र होते हैं, और उन वैदिक मंत्रों को ऋचा कहते हैं। ऋचा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋचाओं की रचना जो है ऋषियों के द्वारा किया गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ऋचा है वह वैदिक मंत्र होते हैं और इनकी जो रचना है, ऋचाओं की जो रचना है, वो वैदिक ऋषियों के द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें हम ऋचा कहते हैं।
और सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद का विषय क्या है, ऋग्वेद में क्या है मुख्यतः? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे कि अग्नि हैं, वायु हैं, इंद्र हैं, प्रमुख देवता इंद्र हैं वैदिक काल के। तो इन देवताओं का जो है उसमें स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। अब क्या है कि जैसे कि हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें चैप्टर होते हैं, चैप्टर जो है कई जो है पैराग्राफ में बटे होते हैं, कई खंड में चैप्टर भी बटे होते हैं, कई सारे हेडिंग उसमें होते हैं। उसी तरीके से जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में 8 मंडल हैं। 8 मंडल का मतलब आप समझ लीजिए कि एक एक चैप्टर से है, सॉरी सॉरी 10 मंडल हैं और 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 8 अष्टक हैं, और इसमें जो है 1028 सूक्त हैं और 10462 मंत्र हैं। अब ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो यहाँ क्लियर हो गया कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं और 10462 मंत्र हैं। अब सूक्त क्या है? तो सूक्त यहाँ पर है कि एक सूक्त, जैसे कि संग्रह है, जो एक संग्रह है, तो संग्रह किस चीज़ का है ये? तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एक सूक्त में 300 से लेकर 300 तक मंत्र होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सूक्त में जो मंत्रों की संख्या होगी वह होगी कितना? 300 से लेकर के 300 के बीच होगी, कम ज़्यादा भी हो सकती, 300 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 300 या 300 के बीच में रहेगी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एक सूक्त कहेंगे। तो इतने मंत्रों का जो समूह होगा 300 से लेकर 300 तक, उससे क्या बनेगा? एक सूक्त बनेगा। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद विशाल है, बहुत सारे ज्ञान के भंडार हैं, मंत्र हैं बहुत सारे उसके वो। तो इसकी अगर शाखाओं की हम बात करें तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं इसकी कौन सी हैं? तो पहला है वास्कल, यहाँ पे ABCD करके लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर पहला जो है वास्कल है, दूसरा साकल है, तीसरा आश्वलायन है, और जो चौथा है वो सांख्यायन है, और जो पांचवा है वो मांडुक्य है। तो ये जो है हमको दिमाग में सेट करके रखना है कि ऋग्वेद की कितनी जो है शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे कुछ जो है नाम दे दे, या उसमें से एक ठो नाम इसमें से दे दे, पूछ दे कि इसमें से कौन सी ऋग्वेद की शाखा में शामिल है। तो अगर हम ये चीज़ समझे रहेंगे तो इसका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो जिस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? तो 10462 मंत्र हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन हमारे सामने जो है बन रहे हैं, और उनका उत्तर भी हम दे पा रहे हैं। तो एक एक पॉइंट जब पढ़ेंगे, सब कुछ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी चीज़ें परीक्षाओं में ये पूछी जाती रही हैं, तो इसलिए इसको हम ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है कि ऋग्वेद का 2 से लेकर 7वां मंडल, मतलब दूसरे मंडल से लेकर के 7वां मंडल जो है, ठीक है, वह प्राचीन मंडल है। सबसे पुराना जो मंडल है ऋग्वेद का वो कौन कौन सा है? 2 से लेकर के 7वें मंडल तक, मतलब कि 6 ऋग्वेद के ऐसे मंडल हैं जो कि प्राचीन हैं। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1, 8, 9 और 10, ये 4 ऐसे मंडल हैं जिनको बाद में जोड़ा गया, बाद में लिखा गया, ऋग्वेद के साथ इनको जोड़ दिया गया। अब जब इनको सजाया गया है तो पुराना बाद में हो गया, नया पहले हो गया, मतलब व्यतिक्रम में ये जो है अपने क्रम में आए हुए हैं। तो ये भी बात समझ में आ गई है कि सबसे जो है पुराने ऋग्वेद के कौन से मंडल हैं। तो 2 से लेकर 7वां जो मंडल है वो ऋग्वेद का प्राचीन मंडल है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये जो मंडल हैं
ठीक है, इनको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जानकारी मिली कि ऋग्वेद के प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो 2 से लेकर 7 तक, नए कौन से हैं, तो 1, 8, 9 और 10 मंडल हैं जो कि नए मंडल हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है हमारा कि 8वें मंडल की ऋचाओं को लिख कहा जाता है। जो 8वें मंडल की ऋचाएं हैं, जिनको हस्तलिखित किया गया है, हाथों से लिखा गया है, उन्हें हम देख रहे हैं कि लिख कहा जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न अपने आप में बन रहा है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की ऋचा को जो है लिख कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई है। अब हम बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण मंडल कौन कौन से हैं, और सभी मंडल जो हैं उन मंडलों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कुछ मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो उनके ऋषियों के बारे में पूछ देगा, या फिर उनसे संबंधित कोई घटना है। जैसे कभी देखिए, सबसे जो फेमस इसमें पूछा जाता है, ये 7वें मंडल में जो है वशिष्ठ इसके ऋषि हैं, अभी ऊपर से देखेंगे, और दशराग्य युद्ध के बारे में पूछा जाता है, हम पढ़ते हैं देखते हैं। तो इस तरीके से जो मंडल महत्वपूर्ण मंडल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो पहला मंडल है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कट मारा गया है। अब देखते हैं दूसरे मंडल के ऋषि कौन हैं। तो दूसरे मंडल के जो ऋषि हैं, पहले मंडल है फिर ऋषियों के नाम हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला मंडल है उसके जो ऋषि हैं वो हैं गृत्समत और भार्गव, ये 2 ऋषि हैं जो पहले मंडल के ऋषि हैं। जो तीसरे मंडल के ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट और उनसे संबंधित बनने वाले सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि तीसरे मंडल का ऋषि कौन है। तो तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। अब एक चीज़ और है कि तीसरे मंडल में क्या है, क्या है, गायत्री मंत्र है, इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। तो ये जैसे कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। उस मंडल ऋग्वेद सॉरी गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हैं, तो वो हैं विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये है यहाँ पर सवित्री, ये जो है सवित्री, सवित्री मतलब सूर्य, ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है अपने आप में और बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है ये कि तीसरा मंडल है, ऋषि विश्वामित्र हैं और इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है और सवित्री को मतलब सूर्य देवता को ये समर्पित है मंत्र। चौथा मंडल है, इसके जो ऋषि हैं वो कौन से हैं, वामदेव हैं। और जो चौथा मंडल है इसमें कृषि का वर्णन है, जो चौथा मंडल है इसमें किसका वर्णन है, कृषि का वर्णन है। सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान जो है कृषि पर दिया गया है। और इसमें एक नाम आता है प्रथुवैन, इसमें ये नाम जो है प्रथुवैन, ये नाम महत्वपूर्ण नाम है। प्रथुवैन को कहा जाता है कि भारत का पहला कृषि वैज्ञानिक। तो भारत का पहला कृषि वैज्ञानिक कौन है, प्रथुवैन है। ठीक है, अब इस मंडल में कुछ राजाओं के भी उल्लेख मिलते हैं। तो इसमें जो है राजा 3 हैं, तो 3 राजा कौन से हैं, एक जो है राजा त्रासदस्यु हैं और एक अजुमीढ़ हैं और तीसरे जो हैं पुरमीढ़ हैं। तो इस तरीके से 3 राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है चौथे मंडल में। तो चौथा मंडल हम समझ लिए हैं, तीसरा समझ लिए, चौथा समझ लिए कि चौथे मंडल के ऋषि वामदेव हैं, इसमें कृषि का वर्णन है और इसमें एक व्यक्ति का वर्णन है जिन्हें हम कहते हैं भारत का पहला कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, इनका नाम क्या है, पृथ्वीवैन है। राजा इसमें कौन कौन से हैं, तो राजा जो इसमें हैं वो हैं त्रासदस्यु, अजुमीढ़ और पुरमीढ़। ये 3 राजा जो हैं ये किस मंडल से संबंधित हैं, चौथे मंडल से संबंधित हैं। तो चौथा मंडल भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब बारी आती है 5वें मंडल की। तो 5वें मंडल के बारे में कहा जाता है कि ये जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है। पूछा जाए कि मंडलों में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन है, तो हम क्या बताएंगे कि 5वां मंडल जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है।
तो पांचवें मंडल के जो अत्रि हैं ऋषि कौन हैं? वो अत्रि हैं, पांचवें मंडल के ऋषि अत्रि हैं। और ये प्राचीनतम मंडल है, इसे किस किस नाम से जानते हैं? तो वंश मंडल और ऋषि मंडल भी इसे कहा जाता है, वंश मंडल ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो पांचवें मंडल को किन किन नामों से जानते हैं? तो वंश मंडल और ऋषि मंडल के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सकते हैं। छठवें में कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, तो छठवें का केवल ऋषि हमें जानना है कि छठवें मंडल के जो ऋषि हैं वो हैं भारद्वाज ऋषि हैं। छठवें मंडल के ऋषि कौन हैं? भारद्वाज हैं। तो इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ते चल रहे हैं। अब आता है सातवां मंडल। सातवां मंडल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो है दशराग युद्ध का वर्णन है, जो कि एक अकेले राजा थे, एक तरफ दस राजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था ये। तो सातवें मंडल के जो ऋषि हैं वो कौन हैं? वशिष्ठ हैं। और इसी मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। तो दशराग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर, जो अब अभी जो है रावी नदी कही जाती है। वैदिक काल में वो परूषणी नदी के नाम से जानी जाती थी। तो परूषणी नदी के तट पर, मतलब कि आज के रावी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था। इसमें जो है दशराग युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ राजा सुदास है और एक तरफ दस राजा हैं, जिसमें पांच जो है आर्य राजा हैं और पांच अनार्य राजा हैं। तो इस तरीके से दशराग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? सातवें मंडल में मिलता है। अब दशराग युद्ध के पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो कहानी ये है कि जो सुदास के टीचर थे, पहले जो गुरु थे सुदास के, वो थे विश्वामित्र, ठीक है। लेकिन सुदास ने क्या किया कि अपना गुरु बदल दिया, विश्वामित्र की जगह पर सुदास ने क्या किया, किसको गुरु बना लिया? वशिष्ठ को बना लिया। तो इससे कुपित होकर के, क्रोधित होकर के विश्वामित्र ने क्या किया कि दस राजाओं का संघ तैयार कराया, ठीक है। तो उसमें जो है पांच आर्य राजा थे और पांच अनार्य राजा थे, ठीक है। अब याद करना बहुत जरूरी नहीं है कि वो पांच या दस राजा वो कौन थे, ठीक है। महत्वपूर्ण ये है दशराग युद्ध के बारे में जानना। और कहाँ लड़ा गया? तो रावी नदी, परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। तो जो सुदास था वो क्या किया कि अपना टीचर बदल दिया, जो उसके गुरु थे उनको क्या किया, परिवर्तित कर दी, बदल दिया। पहले विश्वामित्र थे, बाद में उन्होंने किसको गुरु बना लिया? वशिष्ठ को गुरु बना लिया। इससे विश्वामित्र क्रोधित हुए और दस राजाओं के संघ का उन्होंने गठन कर लिया। इसमें पांच आर्य राजा थे और पांच अनार्य राजा थे। तो सुदास का जो नेतृत्व है वो के तरफ से थे, वशिष्ठ थे, इन दस राजाओं के तरफ से जो है कौन थे? विश्वामित्र थे। तो इस तरीके से हम देख रहे, एक तरफ दस राजा, एक तरफ सुदास, अकेले ये लोग अकेले लड़ रहा था, एक तरफ दस राजा थे। तो ये दशराग युद्ध कहा जाता है। अंततः इसमें विजय किसका होता है? तो सुदास का विजय होता है। राजा कौन सा विजयी हुआ? तो जो सुदास है वह विजयी हुआ, ठीक है। आठवें मंडल में कुछ विशेष बातें नहीं हैं। नौवां मंडल है, तो नौवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। जो नौवां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो इस तरीके से भी पता चला कि नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण मंडल है दसवां मंडल। तो दसवां मंडल में कितने सूक्त हैं? तीन सूक्त हैं। जो दस मंडल है उसमें तीन सूक्त हैं। और इन तीन सूक्त में कौन कौन से सूक्त हैं? तो एक है पहला पुरुष सूक्त है, दूसरा नदी सूक्त है और तीसरा जो है विवाह सूक्त है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसमें से है पुरुष सूक्त है, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त की चर्चा क्यों ज़्यादा होती है ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वर्ण शब्द का पुरुष सूक्त में वर्णन आया है, ठीक है। पुरुष सूक्त, ठीक है, वर्ण शब्द का पुरुष सूक्त में वर्णन आया है। यहाँ पर देखिए,
में सुक्त में वर्णन। तो इसका वर्णन किसमें आया है? पुरुष सुक्त में वर्णन आया है वर्ण शब्द का। लेकिन जब पुरुष सुक्त में इसका वर्णन जब आया है तो इसका जो है रंग के रूप में, वर्ण शब्द का अर्थ जो है रंग के रूप में लिया गया। मतलब कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्य के लिए गौर वर्ण और अनार्यों के लिए श्याम वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो जो शुरू शुरू में जो वर्ण का जो प्रयोग किया गया वह रंग के अर्थ में, किस रंग के लिए? शरीर के रंग के लिए। जो काले थे उनके लिए श्याम वर्ण और जो गोरे थे उनके लिए गौर वर्ण का प्रयोग किया गया। जैसे कि बहस चल रही है कि आर्य जो है बाहर भारत से आए थे और जो काले लोग हैं, जो पिछड़ी पिछड़ी हैं, दलित हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। YouTube पे खूब इस समय चर्चा में ये बातें चल रही हैं। तो आर्य जो थे वो गोरे थे, बाहर से आए थे, पश्चिम से आए थे, और जो इधर के रहने वाले लोग थे वो काले थे, दक्षिण भारत के तरफ के थे, वो द्रविड़ हैं, ठीक है। तो जो आर्य थे उनके लिए गौर वर्ण, अनार्यों के लिए श्याम वर्ण कहा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो वर्ण की बात कही जाती है ऋग्वैदिक काल में, अभी हम आगे इस पर विस्तार से पढ़ेंगे, वह जो है जन्म मूलक न होकर के कर्मूलक था, ठीक है। लोग अपने व्यवसाय बदल सकते थे और अपने कर्मों के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते थे, लेकिन बाद में ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसके बारे में और आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसमें बात आई है, पुरुष सूक्त में बात आई है किसकी? परम पुरुष की। और इसमें कहा गया कि जो चार वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, यह परम पुरुष के शरीर से पैदा हुए हैं। तो मुख से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण। या मस्तिष्क से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण, जो दिमागदार व्यक्ति है, दिमाग चलाने वाला ज़्यादा है, वो कौन है? ब्राह्मण है। और उनकी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जो तलवार चलाते थे, रक्षा करते थे, तो ये कौन हो गए? क्षत्रिय हो गए। इनके उदर से कौन हुए? वैश्य हुए, जो वणिक वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, जिनका काम मुख्यतः पशुपालन, कृषि और व्यापार करना था, वो कौन हुए? वैश्य हुए। तो ये जो है परम पुरुष के उदर से पैदा हुए। और पैर से शूद्र, जो सेवक वर्ग था, वो कहाँ से आया है? परम पुरुष के पैर से आया हुआ है। तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो जो है चार वर्णों का वर्णन किसमें मिल गया है? पुरुष सूक्त में आया है, और वर्ण शब्द का प्रयोग भी पुरुष सूक्त में आया है, इसलिए पुरुष सूक्त जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नदी सूक्त की अगर हम बात करें तो नदी सूक्त से हमें जो है भौगोलिक दशाओं के बारे में पता चलता है, कहाँ से कहाँ तक जो है आर्यों का विस्तार है, या फिर जो है कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण थीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नदी सूक्त से जानकारी मिलती है। अब है विवाह सूक्त है, तो विवाह सूक्त नाम से ही संबंधित है कि विवाह से संबंधित होगा। तो प्राचीन समय में जो हमारा प्राचीन समाज था, इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे, जिसको हम आगे सामाजिक दशा अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से संबंधित जो है इसमें जानकारियाँ मिलती हैं। जब कोई बड़े वर्ग का व्यक्ति जब छोटे वर्ग के व्यक्ति के वहाँ छोटे वर्ग की कन्या से अगर शादी करता है, विवाह करता है, तो उसे कहेंगे अनुलोम विवाह। और अगर छोटे वर्ग का व्यक्ति बड़े वर्ग की कन्या से विवाह कर ले तो उसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। तो इस तरीके से अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों की चर्चा जो है हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज का जो भी टॉपिक है हम देख लिए हैं कि ये क्लियर है, कोई इसमें संदेह नहीं है। संक्षिप्त है, छोटा भले ही हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें आत्मबल मिलेगा, विश्वास मिलेगा, हम और बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लाएंगे। तो बने रहिए द सेवियर स्टडीज़ के साथ, नई जानकारी के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।